जैसे हमें नोज से लिया है और हमें नोज से ही ब्रीदिंग लेके माउथ से ही निकालनी है, जिससे अच्छे से लंग एक्सपेंड हो। अब हमें लंग्स को क्लियर करने के लिए हमें तीन चार बातों का ध्यान रखना है। जैसे गार्गल, मैंने बताया गार्गल, गार्गल को गुनगुने पानी के साथ उसमें नमक डाल के दिन में 2 बार करना है। स्टीम इनहेलेशन को दिन में भी 2 बार करना है। इसको आप 10 दिन तक, 5 से 10 दिन तक कर सकते हैं। ज्यादा इनहेलेशन नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से हमारे को नेजल ब्रीडिंग हो सकती है। नेबुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, आप ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको करके भी बताऊंगी कैसे स्टीम लिया जाता है, कैसे नेबुलाइज किया जाता है। नेबुलाइजेशन मशीन, अगर आपका पेशेंट घर पे है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो आप 85 से 99% तक के सैचुरेशन को, जो कि सैचुरेशन क्या होता है, जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है, एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसमें ऑक्सीजन और पल्स रेट शो करता है, उसमें ऑक्सीजन जो है हम नेबुलाइज के थ्रू 85 से नीचे तक के मेंटेन कर सकते हैं। अगर 85 से ऊपर से लेकर 99% तक मैनेज कर सकते हैं। अगर 85% से नीचे आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि इसका सैचुरेशन और नीचे ना जा सके। इसलिए घर में पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजेशन मशीन, स्टिमुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है रखना। ये एक हमारे पास नंबर है, स्टीम है। स्टीम देखिए इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, इससे एसेक्शन आता है। ये केन है, इसमें एक मेजरमेंट कप है, इसमें हम ऐसे हाफ कंटेनर तक पानी भर सकते हैं। पानी भरने के बाद ये हमारा एक फिल्टर होता है, इस तरीके से हम इसको अटैच करके, देखिए फिल्टर बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये हम इस तरीके से इसको रखते हैं। जब हम इसको स्विच में लगा दें, जब इसे पानी भर के जब इसमें से स्टीम्स निकलती है, तो हमको किस तरीके से स्टीम लेना चाहिए, हमें अपने फेस को इस पे रख कर ऐसे टॉवल से रख के हमें स्टीम लेना चाहिए। स्टीम हमें कैसे लेना चाहिए, हम नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे, जिससे जो हम स्टीम लेते हैं वो हमारे लंग्स तक जाएगा और हमारे लंग्स को क्लीन करने में बहुत हेल्प करेगा। इसको दिन में 2 बार ही लेना चाहिए, उसके बाद आप 5 से 10 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद जब जरूरत हो तभी ले। ज्यादा स्टीम इनहेलेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से नेजल ब्लीडिंग होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ये है स्टीम इनहेलेशन, इसे हम लोग आम भाषा में भाप की मशीन भी कहते हैं। थर्ड वन है नेबुलाइजेशन फ्रेंड्स, ये मशीन है, देखिए ये मैंने पोर्टेबल नेबुलेशन मशीन ली है। इसका दाम सिर्फ 2000 रुपये, ज़्यादा है भी नहीं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, लंग्स को एक्सपेंड करने में, उसके कंजेशन को काटने में बहुत हेल्प करता है। देखिए उसमें इस तरीके से यहाँ पे एक वायर होती है, ये स्विच है, ऑन ऑफ का बटन है, ये ऊपर एक नॉब है जिससे हम ऑक्सीजन मास्क को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर ये पीस आता है जिसे हम टी पीस भी कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तब जरूरत होती है जब हॉस्पिटल में होते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी, एक नली, जब लोग सांस यहाँ से नहीं ले पाते हैं, यहाँ एक कट करके एक नली डाली जाती है, उस केस में ये यूज होता है। तो इसमें आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। मशीन के साथ साथ आपको एक एसिपीडिया मास्क भी मिलेगा, उसमें ये मेडिसिन भी मिलती है। देखिए मेडिसिन इस तरीके से, ड्यूलिन और ब्यूटीकॉट के नाम से। ड्यूलिन आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, ब्यूटीकॉट दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन से बहुत कारगर हैं, लेकिन आपको इसमें भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आप, मैं आपको बता रही हूँ कि नेबुलाइजेशन को आप घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से, ये देखिए एक एडल्ट मास्क आता है, चलो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मास्क है, ये चैम्बर है, नेबुलाइजेशन चैम्बर कहते हैं इसको।
ये हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट करा, ये यहाँ से भी इसे हम ओपन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से नहीं खोलना है। कभी कभी हम लोग यहाँ से मेडिसिन डालते हैं और हम लोग प्रॉपर बैठ के नहीं लेते, जिसकी वजह से इससे मेडिसिन गिरने का डर रहता है। तो आपको यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक ये डिवाइस लगा होता है, ये निकल जाता है, बट आपको इसको भी टच नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब आप अपना मास्क को यूज़ करके वॉश करते हो, आप इसको क्लीन करके इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये खोना नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही आपके स्टीम वेपर्स निकलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और वो उसको खो देते हैं। अब हम इसके कनेक्शन को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और दूसरी वायर को हम मशीन से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये एक मेडिसिन है ड्यूलिन, पहले मैं इसको डाल रही हूँ। इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से ओपन करना है। ऐसे हमने इसको ओपन कर दिया है और आपको ये ऊपर यहीं से ही यहां से ओपन करना है ये। और हम इसको ऐसे प्लास्टिक बल्ब इस तरीके से हम इसको मेडिसिन इसमें डाल देंगे। मैं आपको ड्यूलिन के बारे में ही बता रही हूँ। ऐसे ही हम ब्यूटी कॉट को ही ऐसे डिक्लोसफाइड से ब्रेक करेंगे और हम इसको इसमें पुश करते हैं। दोनों मेडिसिन को हम एक साथ भी दे सकते हैं। ड्यूलिन हम 3 बार देंगे और ब्यूटी कॉट हम 2 बार देंगे।